एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्रेवी वाले छोले मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। छोले मसाला को कई तरह से बनाया जाता है, आज मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। छोले मसाला बनाने के लिए एक कप छोलों को रात भर के लिए भिगो कर लिया है। आप कम से कम 7 से 8 घंटे तो भिगो कर ले ही, और अगर रात भर के लिए भिगोते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसे हमने पहले साफ कर लिया, एक कप छोले थे इसे साफ कर लिया, 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया, धोकर इसको भिगो दिया था, रात भर भिगो कर लिया है। रात भर भिगो लेने से ये बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं, सोडा वगैरह हमें नहीं डालना पड़ता। और अगर आपके पास समय कम है तब भी आप इसे कम से कम 7 से 8 घंटे तो भिगो ही ले। इसे हमने भिगो कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। अब इसको हम कुकर में डालेंगे। उससे पहले हम एक पोटली बनाकर तैयार करते हैं मसालों की। मसालों की पोटली बनाने के लिए ये एक सूती साफ कपड़ा लिया है, इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती। इससे छोलों का कलर भी अच्छा आता है और छोले का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। वैसे आप इसमें टी बैग्स का यूज भी कर सकते हैं, एक टी बैग इसको उबालते समय डाल लें। लेकिन इसमें मैं कुछ मसाले भी डालने वाली हूँ, तो इस तरह से पोटली बनाकर डालने से ज्यादा अच्छा रहता है। ये कुछ खड़े मसाले हैं, खड़े मसाले आप चाहें तो तड़के में जब हम इसको इसके लिए मसाला बनाएंगे तब भी डाल सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि ये जो मसाले होते हैं मुंह में आते हैं कई बार, और तब वो अच्छे नहीं लगते। बच्चे खासतौर पे बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके मुंह में कोई इस तरह का खड़ा मसाला है। तो आप इस तरह से पोटली में डालेंगे तो इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा मसालों का और ये मुंह में भी नहीं आएंगे। तो इसमें हम डालने वाले हैं 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, बिल्कुल थोड़ी सी जावित्री है, बिल्कुल थोड़ी सी ली है, ये देखिए, 2 से 3 लौंग और 6-7 काली मिर्च। इन मसालों के बिना भी आप ये छोले बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से मसाला आप डालकर देखिएगा, इन खड़े मसालों का जो टेस्ट आता है ना बहुत ही अच्छा आता है, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए। इसके बाद हम इस पोटली को बना लेंगे। इस तरह से बांध लेते हैं इसे, पोटली को हमने बांध लिया है। अब इसे साइड रखते हैं, कुकर में हम डालते हैं छोले। अब इसमें डालेंगे पानी, तो टोटल 2.5 कप पानी इसमें डाला है। पानी छोलों से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल इतना, बिल्कुल इतना सा, ये देखिए इतना, आधा उंगल के करीब ही ये ऊपर है पानी। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, नहीं तो जब हम इसे पकाएंगे तो वो एकदम ऊपर निकल कर आएगा। तो इतना ही इसमें पानी ऊपर रखा है। छोले अच्छी तरह से फूले हुए हैं तो इसलिए ज्यादा पानी की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब इसमें हम ये जो पोटली हमने मसालों की बना के रखी थी ये डाल देंगे, और इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक इस समय ज्यादा नहीं डालेंगे, इस समय नमक डाल देने से छोले अंदर से फीके नहीं लगते। तो 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। आप ढक्कन बंद करिए और मीडियम फ्लेम पर इसमें 4 से 5 सीटी हम लगा लेंगे। 4-5 सीटी में ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसमें सोडा डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोले हमने अच्छी तरह से फुला कर लिए हैं। इसमें हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर कुकर में हमने 5 सीटी लगाई, उसके बाद गैस हमने बंद कर दिया और इसे ठंडा होने दिया। जब इसका गैस रिलीज हो गया उसके बाद इसे खोल लिया और देखिए छोले गल चुके हैं पूरी तरह से, ये फूट भी गए हैं बल्कि, ये देखिए बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। अगर छोलों में थोड़ी कसर हो तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं, वैसे 5 सीटी में ये आराम से गल जाते हैं। छोले अच्छी तरह से गल गए हैं। इसमें से हम ये जो पोटली हमने डाली थी इसे निकाल देंगे, और अगर आप चाहें तो हल्का सा इस तरह से करछी को लगाते हुए इसे हल्का सा मैश कर सकते हैं, या इसी तरह से खड़ा खड़ा रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। और थोड़ा आप घुटा हुआ सा अच्छा लगता है आपको, मेरी तरह आप भी थोड़ा सा चाहते हैं कि छोले थोड़े घुटे घुटे से रहें, गाढ़े से रहें, तो इसमें हल्का सा, ज्यादा नहीं, 1-2 बार करछी को इस तरह से लगा दें। बस छोले हमारे तैयार हैं। अब इसका मसाला बनाएंगे, तो मसाला बनाने से पहले कुछ मसालों को हम मिक्स करेंगे। मसालों का मिक्स बनाने के लिए 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है, ये ज्यादा तीखी नहीं होती, और मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च आपकी चॉइस पे है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप सिर्फ तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो 1/2 छोटा चम्मच दोनों ली है, तीखी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसमें जो भी मसाले मैंने यूज किए हैं बहुत ही सिंपल हैं, हर घर में होते हैं, कुछ भी अलग से इसमें यूज नहीं किया है, लेकिन इन सिंपल मसालों के साथ भी ये बहुत ही अच्छे छोले मसाला बनता है। 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, इसकी जगह आप अनारदाना पाउडर भी ले सकते हैं, हल्का सा खट्टापन जब छोलों में आता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है।
आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और ये है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके दो ऑप्शन हैं, आप दो तरह से इसे डाल सकते हैं, एक तो इसी समय मसाले में मिक्स कर लें जैसे कि मैं पसंद करती हूँ अक्सर, और या आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं जब सारा हमारा छोला बन जाएगा लास्ट में, बिल्कुल जब हम धनिया डालने लगेंगे उस टाइम पर आप इसको डालकर और मिक्स करें और गैस बंद कर दें। तो मैं इसे इसी टाइम डालना पसंद करती हूँ। तो ये आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर मैं इसी में डाल लूंगी। अब इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से जब हम मसाला डालते हैं तो इसका टेस्ट अलग आता है, जो हम मसाले उसमें डालते हैं सीधा छौंक में उसका और इसका टेस्ट अलग आता है। आप ट्राई करके देखिएगा, दोनों ही तरीके अच्छे लगते हैं। इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह का गाढ़ा पेस्ट हमें बना लेना है। पेस्ट हमारा तैयार है, अब हम मसाला बनाने के लिए चलते हैं। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून सरसों तेल। मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूँ, आप रिफाइंड का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप सरसों तेल यूज कर रहे हैं तो पहले उसे धो उठने तक गर्म होने दें, उसके बाद थोड़ा ठंडा कर लें तभी उसमें मसाला बनाएं, नहीं तो तेल का कच्चापन आता है। सरसों तेल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था धुआं उठने तक, उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा कर लिया। अब इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में और इसे गर्म होने देंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते। अगर आप साबुत जीरा पसंद करते हैं छोले मसाला में तो आप डाल सकते हैं 1 छोटा चम्मच, मैं नहीं पसंद करती इसलिए मैं सिर्फ तेज पत्ता डाल रही हूँ। इसे हल्का सा भून लेते हैं। तेज पत्ता को 10 सेकंड के लिए भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज है जिसको बारीक चॉप करके लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं प्याज का। और ये 2 हरी मिर्च हैं जिसे बीच में से चीरा लगा लिया है, ये भी डाल देंगे इसी समय। अब प्याज को हल्का गुलाबी होने तक हम फ्राई करेंगे। पहले प्याज हल्के गुलाबी हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और प्याज भी हमारे गोल्डन हो जाएंगे। प्याज भी गोल्डन हो गए हैं और अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था मसालों का, ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे मसालों को और थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए मसालों को भून लिया है और देखिए मसाले से तेल अलग होने लगा है, मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर को प्यूरी करके लिया है, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक हमने छोलों को पकाते समय भी डाला था तो इस चीज का ध्यान रखें, और अगर इस समय आप नमक का अंदाजा नहीं ले पाते तो जब छोले डाल देंगे उसके बाद आप नमक डाल सकते हैं। मैं इसी समय डाल दे रही हूँ, स्वादानुसार नमक इसमें डालेंगे। नमक डालने के बाद मिक्स कर देंगे। टमाटर को मसाले में मिक्स करने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम पर, लो या लो टू मीडियम ही आप रखें, इसे लो फ्लेम पर हम ढककर पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, तब तक पकाना है जब तक कि मसाले से तेल बिल्कुल अलग ना हो जाए। मसाला अच्छी तरह से भून गया है और देखिए इससे तेल बिल्कुल अलग हो गया है। इस तरह से जब मसाले में से तेल अलग हो जाए तभी मसाला अच्छी तरह से भूनता है। तो मसाला भून चुका है, अब इसमें डालेंगे छोले, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इस समय अगर आपको लगता है कि ग्रेवी थोड़ी कम है तो आप अपने हिसाब से जैसा पतला या गाढ़ा रखना चाहें उस हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पकेगा भी। मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें पहले 1 उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम फ्लेम को कर देंगे लो या लो टू मीडियम। लो कर दें तो ज्यादा अच्छा है। लो करके इसे ढक देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। धीमी आंच पर यह पकेगा तो मसालों के साथ छोले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अच्छा इसका टेस्ट आएगा। धीमी आंच पर 3-4 मिनट के लिए छोलों को हमने पका लिया है। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, देखिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये छोले। तो अब बस इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर देंगे और गैस को बंद करेंगे। ग्रेवी वाले छोले मसाला बनकर तैयार है। इसे गार्निश किया है थोड़े से हरा धनिया पत्ते और अनियन रिंग से, थोड़े से इसमें अदरक के लच्छे डाले हैं। आप अपने पसंद से इसे गार्निश कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे, नान, इसके अलावा आप इसे
कुलचे और भटूरे के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ भी खाएं तभी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, यानी आप इसे रोटी पराठा पूरी कुछ भी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार इसे रेसिपी को ट्राई जरूर करें, रेसिपी अच्छी लगी वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।